नमस्ते फ्रेंड्स, अभी सभी लोगों का यहाँ वेलकम। हम लोग अभी आज रांची का पहला दिन है, तो अगला दो वीडियो आपने देखा नहीं, अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आज का जो होगा, आज हमने दोनों तरीके से इसको डिवाइड किया है, मैं उसका डिटेल्स आप लोगों को दे दूंगा और सभी को बोलूंगा कि प्लीज वीडियो थोड़ा स्किप ना करके देखें। और मैं कोशिश किया है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से वीडियो फोटोग्राफी करने के लिए, थोड़ा देख के कमेंट कीजिए, उससे और भी हौसला ज़्यादा बढ़ेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अभी फिलहाल आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है टूर प्लान। आज फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए रांची को आप दो तरीके से भाग कर सकते हैं, एक तो नियरेस्ट लोकेशन और एक दूर का लोकेशन। देखिए पहले मैं बताऊंगा कि सुबह के टाइम जितना भी हो सके पहले दूर का लोकेशन कर लीजिए, क्योंकि नियर का लोकेशन आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें करने में अगर थोड़ा रात हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है। और जब जो भी हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ज़्यादातर खुद के कार से जा रहे हैं, तो बेटर होगा कि रात के अंदर ही आप लोग आपके मतलब होटल के नज़दीक चले आए, क्योंकि अगर बाहर कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको दिक्कत में पड़ना होगा। तो इसी तरह सोचते हुए मैंने दो तरीके से इस ट्रिप को सजा था, मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। पहले दिखा देता हूँ कि ये जो रांची का जो जितना भी देखने वाला चीज़ें हैं, ये हम लोगों के होटल के आसपास ही था, कांकर डैम इतना ही तक सीमित है, तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम दूर चले जाएंगे, तो रांची से जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो था वो था हुंगरू फॉल्स। तो हुंगरू का डिस्टेंस होगा 46.8 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और उसके बाद हमने सोचा कि जोना फॉल्स कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही एरिया में पड़ता है, मतलब उस साइड, और इस साइड जो होगा ये अलग होगा, जोना हो गया। जोना के पास ही है सीता फॉल्स, सीता फॉल्स ज़्यादा लोग जाते नहीं है, तो हमने सोचा कि जोना सीता होके हम लोग फिर लौट आएंगे। हम लोगों का जो डेस्टिनेशन था, मतलब होटल था, होटल राजधानी प्लाजा में। अच्छा, इस होटल के बारे में बता देते हैं कि इस होटल का जो रिव्यू होगा ये भी मैं वीडियो के लास्ट में अंत में दे दूंगा, वो अब देख लीजिएगा। तो टोटल डिस्टिनेशन हो गया 111 किलोमीटर, तो आपको लगेगा 3 घंटा 38 मिनट। तो आपको पहले जो करना है कि जितना भी हो सके सुबह के टाइम निकले। सुबह के टाइम निकलने से क्या होगा, ये तो देखिए टोटल रोड का डेस्टिनेशन है। अभी कहीं पर जाएंगे, ये हुंगरू फॉल्स में जाएंगे तो आपको 741 स्टेयर्स नीचे उतरना होगा और ऊपर आना होगा, तो टाइम जाएगा। किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ पे देखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो लगभग सोचिए कि आप लोग अगर 5:30-6 बजे निकल सकते हो तो आप लोग 11:30-12 के अंदर आपके रांची के होटल में आ सकते हो। तो हम लोगों ने भी ऐसा किया कि पहले वहाँ पे से घूम के आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आके फ्रेश होके खाना वाना खा के सेकेंड हम लोग निकलेंगे रांची लोकल साइट सीइंग के लिए। तो पहले आप लोग ये फर्स्ट हाफ को एंजॉय कीजिए, सेकेंड हाफ जब वीडियो आएंगे तो सेकेंड हाफ का जो कैसे सजाया गया था मैं आपको आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल आप लोगों को मालूम ही हो चुका है कि एक्चुअल प्लान क्या है आज का, तो प्लान के हिसाब से ही पूरा चलने की कोशिश करेंगे। और अगला जो वीडियो आपने देखा है, तो दशम जलप्रपात में जाके हम लोगों को तो बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि पानी ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने उसको अलग तरीके से लिया, क्योंकि देखिए कभी भी डिप्रेशन में आना नहीं चाहिए। आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो अलग कुछ देख रहे हैं जो ज़्यादातर पब्लिक ने देखा नहीं है। तो मैं बोलूँगा जिन लोगों ने वीडियो देखा नहीं है, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाके वो वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं मेरे वीडियो में जितना भी हो सके डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है, जो लोग खुद राइड करके या ड्राइव करके आएंगे उन लोगों को ये बहुत ही हेल्प होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर मेरे वीडियो में रास्ते का वीडियो देता हूँ, क्योंकि जर्नी बहुत ही पसंद आता है डेस्टिनेशन से। तो आई लाइक जर्नी और आई लाइक टू ड्राइव और टू राइड। तो देखिए आप कहीं पे जा रहे हैं लॉन्ग राइड में, देखिए क्या होता है एक्चुअली, हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे तो गाड़ी का स्पीड 30 से ज़्यादा उठता ही नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर। तो वहाँ पे आप जाएंगे, आप पूरा एंजॉय करेंगे। और झारखंड का जो रास्ता है या रांची का, बहुत ही बढ़िया है। 2-3 स्ट्रेच था, मतलब कोलकाता से जब हम लोग रांची जा रहे थे 2-3 स्ट्रेचेस ऐसे था जहाँ पे रास्ता नहीं था, ये आप देख ही रहे। और रास्ते में जाने का और एक फायदा क्या है मालूम है, आपको इतना अच्छा सीनरी मिलेगा ना, आप वही एंजॉय करो। आपको तो क्या देखना है, आप अभी जो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो सभी लोग ने देख चुके हैं लगभग, मगर ये जो रास्ते का जो व्यू है, ये जो सीनरी है, ये जो रास्ता है, आप जो हुआ है ना नेचर को एंजॉय कर सकते। तो
जर्नी इज ऑलवेज एंजॉयिंग डेस्टिनेशन इज बॉडी. इसके वजह से मेरा जो भी वीडियो होता है उसमें ज्यादातर मतलब रोड भी रहता है, और हम लोग जब खुद ड्राइव करके जाते हैं तो खुद जाने से ना कुछ प्रॉब्लम है कि जानना है कि रास्ता कैसा है, क्योंकि खुद गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो रास्ता कहाँ पे खराब है, अच्छा है, इसमें गाड़ी जा पाएगा या नहीं पाएगा, और अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. उससे क्या होता है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ हम लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं. और देखिए कहीं पे भी आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, अगर सोचिए कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ का जो लोकल ड्राइवर है उन लोगों के पास से हेल्प ले सकते हैं. लोगों के साथ बात करते करते ना जाने कब हम लोग हुनरू में पहुंच ही गए. हुनरू में पहुंचने के बाद वहां पे पार्किंग की बहुत बढ़िया जगह है, वहां पे पार्किंग की, और मैंने आ गए ऊपर से हुनरू का जो व्यू है वो दिखाने के लिए. ज्यादातर ये हम लोग देखते नहीं है, और इसका ऊपर से व्यू बहुत ही बढ़िया है. कभी कभी तो हमको लग रहा था कि मैं शायद बाहर कहीं पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आके मालूम चला कि यहाँ पे थोड़ा पानी है. ये जो पोर्शन है ना, ऊपर का पोर्शन है, ये ऑलमोस्ट सी लेवल से 1410 मीटर ऊपर में है. और आप ये जो व्यू देख रहे हैं ना, वादियाँ देख रहे हैं, बहुत ही आरामदायक है, देख के भी अच्छा लगा. कुछ कुछ लोग आते हैं यहाँ पे सेल्फी वगैरह खींचने के लिए, और जितना हद तक वहाँ पे हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे सेल्फी अब ले तो सकते हैं, मगर थोड़ा सावधानी बरतना होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है. तो अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पे दिखाने के लिए. रिस्क है, मगर देखिए रिस्क सही रिस्क है यार पे. तो मैं गया वहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि एक डेंजर जोन है, और यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम हो मतलब डेथ हुआ था. तो वहाँ तक मैंने नहीं गया, यहाँ पे ही रुक गए. और यहाँ पे जो ये ऊपर का जो पानी है, यहाँ का जो लोकल पीपल रहता है, ये लोग यहाँ पे मुँह वगैरह करते हैं, बात वगैरह करते हैं. तो मैं सलाह करूँगा कि ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग झरने का जो पानी होता है पी लेते हैं साफ सुथरा सोच के, कि मगर ये पानी मत पीजिए नीचे से, क्योंकि क्या होता है कि ऊपर से ही पानी जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, पानी में कुछ गंदगी हो सकते हैं, तो आपको दिक्कत में पड़ना होता है. तो हर जगह पे जाके पानी नहीं देखना है. और एक जो बात है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना दूर का, इसी रास्ते से हम लोग ने आया, और उसी बीच के ऊपर से मैं अभी आपको शायद कितना दिखाई दे रहा है मालूम नहीं है, छोटा सा रास्ता है, उसी रास्ते से हम लोगों ने इस ब्रिज के ऊपर से होके यहाँ पे आके रुके. और एक चीज जो है, ऊपर का जो हुनरू का व्यू है ना, यहाँ का जो हर वक्त पानी बहने के वजह से पत्थर जो है इसका कुछ अलग ही टेक्सचर हो गया है, तो ये टेक्सचर आपको कुछ अलग ही फील देगा. इसी वजह से मैंने ऊपर गया, क्योंकि ज्यादातर लोग ऊपर जाते नहीं है, सब नीचे ही चले जाते हैं. अभी ये आप एंजॉय कीजिए. उसके बाद हम लोग यहाँ से लौट रहे थे, मैं वहां पे डेंजर जोन में गया था, और यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग क्यों ना जाने क्यों दिन तो वो लोग करते हैं, उसके बाद कांच का टुकड़ा फेंक के जाते हैं, तो ये करना नहीं चाहिए, और आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए. गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क किया, और जाए कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो मेरा फ्रेंड्स लोग हमको मिल जाता है. देखिए पीछे दो मिलाता हुआ, उन्होंने खाने के लिए आया था, मैंने बताया कि घूम के आके खाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के साथ और भी 4 जो है डॉग्स ऑलरेडी उन लोग जा चुके हैं. वो लोग हम लोगों के साथ नीचे की तरफ ही जा रहे थे, तो मालूम था कि उन लोगों को खाना देना है, तो जब लौटेंगे तो एक साथ मिल के खाना देंगे. और यहाँ पे पहले बहुत साल पहले एक बार गया था, तो तब यहाँ पे कुछ सीढ़ी वगैरह नहीं था. अभी यहाँ पे बस बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बनाया गया है. और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पे प्लास्टिक इधर उधर मत फेंकिए, देखने में खराब लगता है, जो भी गवर्नमेंट लिखा हुआ है मगर लोग रख फेंकते हैं. और यहाँ पे जाने के बाद जो आपको अच्छा लगेगा कि देखिए, पहले तो सीढ़ी से आपको ऑलमोस्ट 745 स्टेयर्स है जिससे आपको नीचे उतरना है. नीचे उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखने का एक अलग ही आनंद में आप क्विक नीचे उतर जाएंगे, मगर नीचे उतरने के बाद ऊपर आने में आप लोगों को दिक्कत होगा. और यहाँ से पहले बार मेरे को पानी देखा जो हुनरू फॉल्स के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, और ये नीचे का व्यू नज़ारा. तो यहाँ पे आके मालूम चला कि हाँ, दशम फॉल्स की तरह यहाँ पे निराशा नहीं होगा. हाँ, पानी बहुत ही कम है, और हम लोग वो ऊपर से घूम के या इस सीढ़ी से ये सीढ़ी से इधर से आए, और झरना थोड़ा इसी तरफ है, तो आप लोग ये एंजॉय कीजिए. उसके बाद मैं फिर आप लोगों को बात बता दूंगा. और एक चीज देखिए कि यहाँ पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे कंक्रीट का रास्ता बना हुआ है, थोड़ा धीरे चलिएगा, क्योंकि
पत्थर है, इधर उधर होने से गिर भी सकते हैं, लग भी सकते हैं। और हम लोग इसी पत्थर से लगभग झरने के पास चले गए, नीचे नहीं उतरे क्योंकि नीचे जाना नहीं था, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखना था। तो हम लोग यहाँ से इसको एंजॉय किया, कुछ समय बैठा वहाँ पे, कुछ फोटोग्राफी वगैरह कुछ किया, दे दूंगा। और ये यहाँ का छोटा सा शिव मंदिर है, इसके ऊपर एक गुफा भी है। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद सोचा कि नहीं, एक ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उस टाइम कोई नहीं था। और कोविड की सिचुएशन की वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग सिर्फ चार, और हम लोग सिर्फ मेरा चार फ्रेंड डॉग्स वही नीचे उतरे और हम लोग चार ही ऊपर की तरफ आए, कोई नहीं था उस समय। तो अब इसका व्यू एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं। जो फ्रेंड के बारे में बता रहा था, ये थे मेरा चार फ्रेंड जो हम लोग सब नीचे गए थे और हम लोग ऊपर आए, बहुत ही ऊपर, इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग बैठ के आए और वहाँ पे आके कुछ टिफिन वगैरह किया, इन लोगों को अच्छे तरीके से खिलाया। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग अगर कहीं पे बाहर जा रहे हो ना, तो अगर हो सके तो बिस्कुट स्नैक्स कुछ है तो इनको खिलाइए, नहीं तो कुछ खरीद के खिला दीजिए, एक दो पैकेट बिस्कुट, इसमें क्या जाता है। मगर यहाँ पे ज्यादा खाना नहीं मिलता है तो उन लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा। फिलहाल वीडियो को और लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में दिखाना है उन जमुना फॉल्स और सीता फॉल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।